हेलो दोस्तों, मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, जहां आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं कंप्यूटर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और वो टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है जहां से ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्योंकि आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे जियो फेंसिंग, GPS, मैसेंजर, ईमेल्स और SMS। इन टॉपिक से कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं इन पर बेस्ड, और साथ ही साथ क्लियर करेंगे इनके कॉन्सेप्ट भी। तो आई होप कि आपने अगर कोई भी पंजाब का एग्जाम देना है नियर फ्यूचर और आप तैयारी कर रहे हैं तो ये सेशन आपके लिए बेस्ट होने वाला है। चाहे वो पंजाब पटवारी हो, चाहे पंजाब SI लेवल पर हो, या किसी भी पंजाब में, आप जानते हैं कि ये सिलेबस तो रहता ही है और यहाँ से क्वेश्चन तो बनते ही बनते हैं। तो चलिए विदाउट फर्दर अडू देखते हैं कि यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इन चैप्टर्स में से। हैव अ लुक। लेकिन उससे पहले एक इंफॉर्मेशन आप तक हम कम्युनिकेट कर दें, जैसे कि आप लोग में से बहुत सारे कैंडिडेट्स ऑलरेडी यहाँ पर ज्वाइन कर चुके हैं पंजाब स्पेशल बैच को, जो कि कंप्यूटर का कंप्लीट बैच है। यानी अगर आप कंप्यूटर के सिलेबस के अकॉर्डिंग, नए पैटर्न के अकॉर्डिंग अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, स्टेप बाय स्टेप हर एक चैप्टर को अच्छे से कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ना चाहते हैं, MCQs पढ़ना चाहते हैं, जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस हैं वो सब करना चाहते हैं, और अपने एग्जाम में आप फुल आउट ऑफ फुल स्कोर लेना चाहते हैं, तो बिल्कुल ये बैच आपके लिए परफेक्ट है। इस बैच के बारे में हम आपको बता दें, 35 क्लासेस हैं टोटल, जहां पर आपको PDF प्रोवाइड की जा रही है, MCQs और कॉन्सेप्ट ये सब कुछ प्रोवाइड किया जा रहा है, और ये गारंटी भी है कि इसके बाहर एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा अगर आपने अच्छे से कॉन्सेप्ट और MCQs को किया है तो। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर ये 1 जुलाई से स्टार्ट है, लाइव क्लासेस हैं, और अगर हमसे मिस हो गई तो हम कहाँ देखेंगे? तो आंसर है, अगर आपसे मिस हो गई हैं तो कोई बात नहीं, क्योंकि मिस होने के बाद ये रिकॉर्ड हो जाते हैं लेक्चर्स, तो आप रिकॉर्डेड मोड में भी इनको देख सकते हैं। तो किसी भी एग्जाम में अगर आप तैयारी करने जा रहे हैं तो ये बैच आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, विश्वास मानिएगा। बैच को ज्वाइन कैसे करें? तो आंसर है कि आप जब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखेंगे तो वहां पर आपको एक बाय लिंक मिलेगा, जिस पर क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं, और फीस है यहां पर 500 रुपीज। यानी 500 में बेस्ट 35 क्लासेस आप तक पहुंच रही हैं, वो भी बहुत ही एग्जाम के सिलेबस के इक्विवेलेंट, तो इसके बाहर तो नहीं आएगा, ये अश्योरेंस है। तो चलिए शुरू करते हैं, और अगर कोई आपको डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं आप इस बैच के रिगार्डिंग, तो बिल्कुल यहाँ पर कॉल या व्हाट्सएप नंबर भी गिवन है, इस पर कॉल करके और व्हाट्सएप करके भी आप अपनी क्वेरी को रिजॉल्व कर सकते हैं। शुरू करते हैं, और ये रहा पहला क्वेश्चन आज के सेशन का। इट इज अ वर्चुअल पैरामीटर फॉर अ रियल वर्ल्ड ज्योग्राफिक एरिया। देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, और कह रहा है ये एक वर्चुअल पैरामीटर है, यानी एक वर्चुअल एरिया है, फॉर अ रियल वर्ल्ड ज्योग्राफिक एरिया, जो एक पार्टिकुलर ज्योग्राफिक एरिया को कवर कर रहा है। क्या होगा करेक्ट आंसर? GPS, RFID, मैसेंजर या जियो फेंसिंग? वेरी गुड, एंड द करेक्ट आंसर इज जियो फेंसिंग। देखिए जियो फेंसिंग क्या होता है, ये एक लोकेशन बेस्ड सर्विस है जो स्पेसिफिक एरिया को एक जियो फेंस में कन्वर्ट कर देती है। अब इससे फायदा क्या होगा कि अगर उस एरिया के अंदर अगर कोई भी कस्टमर आता है तो उसके पास ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन या अलर्ट पहुंच जाएगा, अगर कोई भी डिस्काउंट या कोई भी ऐसा कूपन चल रहा होगा तो वो ऑटोमेटिकली उस कस्टमर तक पहुंच जाएगा उस बाउंड्री पर आने पर, है ना। जैसे सपोज करिए आपका एक बिजनेस है, आप एक बिजनेसमैन है, आपकी एक शॉप है, और आप चाहते हैं कि हमारी शॉप के सामने से जैसे ही कोई कस्टमर निकले उसके मोबाइल पर ऑटोमेटिकली एक मैसेज ड्रॉप हो जाए, एक अलर्ट आ जाए, एक नोटिफिकेशन आ जाए कि आज ये डिस्काउंट है हमारे शॉप में। आपके पास उसका कॉन्टेक्ट नंबर नहीं है, लेकिन फिर भी उस एरिया में आने पर आप उसके मोबाइल पर मैसेज को दे पा रहे हैं, और इसी सर्विस को बोला जाता है जियो फेंसिंग। तो यही क्वेश्चन में भी कह रहा था कि एक वर्चुअल पैरामीटर कौन सा है जो रियल वर्ल्ड ज्योग्राफिक एरिया को इंडिकेट करता है, तो आंसर क्या है? जियो फेंसिंग। सेकेंड क्वेश्चन देखिएगा, अमंग दीज व्हाट विल डिफाइन अ जियो फेंस
इन जियो फेंसिंग। कह रहा है जियो फेंसिंग टेक्नोलॉजी में जियो फेंस इस टर्म को किससे डिफाइन किया जाता है। जियो फेंस का मतलब है एक जियोग्राफिकल फेंसिंग, एक ऐसा एरिया जिसके अंदर आते ही ईमेल और अलर्ट्स पहुंचने शुरू हो जाएं ऑटोमेटिकली। तो ये किससे एस्टेब्लिश किया जाता है? ऑप्शन है लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, रेडियस या ऑल ऑफ दीस। वेरी गुड, और करेक्ट आंसर यहां पर होगा ऑल ऑफ दीस। यानी जियो फेंस की अगर हम बात करें तो ये लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड और साथ ही साथ रेडियस, इन तीनों को ये डिफाइन करता है और जियो फेंस को इन्हीं की मदद से एस्टैब्लिश भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु इन्वेंटेड जियो फेंसिंग। तो जियो फेंसिंग से बैक टू बैक थर्ड क्वेश्चन आपके सामने है कि जियो फेंसिंग का इन्वेंशन किसने किया, ये जियो फेंसिंग टेक्नोलॉजी को लेकर कौन आया। IBM के द्वारा, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल या DJI। तो क्या होगा यहां पर करेक्ट आंसर? वेरी गुड, और करेक्ट आंसर यहां पर होने वाला है DJI। चाइना की कंपनी है DJI, जो मेनली काम करती है आपके किस पर, ड्रोन्स पर। आपने देखा होगा जो ड्रोन सिस्टम है उसी पर ये कंपनी आपकी पूरी तरीके से बेस्ड है। ड्रोन्स डेवलप करती है, इन्वेंट करती है, मैन्युफैक्चर करती है। नाम है DJI, द फ्यूचर ऑफ पॉसिबल, DJI इनोवेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है इस कंपनी की। तो समझ गए आप कि जियो फेंसिंग किसके द्वारा इन्वेंट की गई, DJI, चाइना की कंपनी के द्वारा, DJI इनोवेशन। नेक्स्ट देखिए, GPS सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 3 सेगमेंट। यानी GPS से क्वेश्चन यहां पर पूछा जा रहा है, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम से, और कह रहा है कि GPS में 3 सिस्टम होते हैं, 3 सेगमेंट होते हैं। अमंग दिस विच इज नॉट द सेगमेंट टाइप, इनमें से कौन सा GPS का सेगमेंट टाइप नहीं है। स्पेस सेगमेंट, कंट्रोल सेगमेंट, यूजर सेगमेंट या प्रोसेस सेगमेंट। सो व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज द करेक्ट आंसर? बिल्कुल करेक्ट आंसर है प्रोसेस सेगमेंट, ये सेगमेंट नहीं है। देखिए अगर हम GPS सिस्टम की बात करें तो आपको ये तो जरूर पता होगा कि GPS सिस्टम में एक स्पेस में सैटेलाइट होती है जिसकी नीचे से एंटीना के द्वारा कंट्रोलिंग की जाती है, एक कंट्रोल सेगमेंट होता है, और फाइनली यूजर इस सर्विस को यूटिलाइज कर सकता है। तो इसका मतलब कि GPS के टोटल सेगमेंट कितने हो गए, 3। पहला है स्पेस सेगमेंट, या इसको सैटेलाइट सेगमेंट भी आप बोल सकते हैं। दूसरा है कंट्रोल सेगमेंट, जहां से इसकी कंट्रोलिंग की जा रही है। और तीसरा है यूजर सेगमेंट, यानी हम लोग के मोबाइल फोन्स, जहां पर हम लोग इस सर्विस को यूटिलाइज कर रहे हैं, यानी रिसीवर एंड। तो ये हो गया आपका यूजर सेगमेंट। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए क्वेश्चन कि GPS में कितने सेगमेंट होते हैं तो आप कहेंगे 3 सेगमेंट, और पूछा जाए कौन कौन से सेगमेंट होते हैं तो आपको पता है स्पेस, कंट्रोल और यूजर, और कौन सा सेगमेंट नहीं है तो आंसर है प्रोसेस सेगमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, GPS इज अ डैश बेस्ड नेविगेशन सिस्टम। कह रहा है ये जो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है ये किस पर बेस है। वाईफाई बेस्ड है, ब्लूटूथ पर बेस्ड है, सैटेलाइट पर बेस्ड है या ब्रॉडबैंड पर बेस्ड है। तो बिल्कुल शायद आपका आंसर यहां पर सही होगा, क्योंकि GPS एक सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन सिस्टम है ना। अभी हम लोग ने डिस्कस भी किया था प्रीवियस क्वेश्चन में ही कि सैटेलाइट सिस्टम है। तो बिल्कुल यहां पर करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, 3rd one। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, GPS यूजेज अ डिजिटल सिग्नल एट अबाउट डैश गीगाहर्ट्ज फ्रॉम ईच सैटेलाइट टू सेंड डेटा टू द रिसीवर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। कह रहा है GPS जो है वो डिजिटल सिग्नल पर काम करता है। वेरी ट्रू, है ना। और ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि GPS किस तरीके के सिग्नल पर काम करता है, तो आंसर है डिजिटल सिग्नल। तो GPS यूजेज अ डिजिटल सिग्नल एट अबाउट डैश गीगाहर्ट्ज फ्रॉम ईच सैटेलाइट, हर एक सैटेलाइट से कितने गीगाहर्ट्ज टू सेंड डेटा टू द रिसीवर, और डेटा जो है वो रिसीवर को रिसीव हो जाए, इस पर ये कितने गीगाहर्ट्ज पर काम करता है ये आपको बताना है।
1 गीगाहर्ट्ज, 1.5 गीगाहर्ट्ज, 2 गीगाहर्ट्ज या 2.5 गीगाहर्ट्ज। वेरी गुड, और करेक्ट आंसर यहां पर बनेगा 1.5 गीगाहर्ट्ज। तो कभी भी जीपीएस में डिजिटल सिग्नल की बात करें और गीगाहर्ट्ज में आपसे आंसर पूछें तो आंसर क्या होने वाला है, 1.5 गीगाहर्ट्ज। इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एसएनआर इन जीपीएस? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जीपीएस में एक एसएनआर होता है। तो अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि एसएनआर का क्या मतलब है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? सिग्नल टू नॉइज रेशियो, साउंड टू नॉइज रेशियो, साउथ टू नॉर्थ रेशियो या सेगमेंट टू नॉर्थ रेशियो? अगर आपने पढ़ा है तो आप जानते होंगे कि जीपीएस में एसएनआर का मतलब है सिग्नल टू नॉइज रेशियो। क्या है? सिग्नल टू नॉइज रेशियो। और आप नीचे अगर एक इमेज में देखें तो हम इसके थ्रू एक स्टैटिस्टिकल एनालिसिस भी करते हैं कि एसएनआर की रेंज कितनी जा रही है जीपीएस के कंसर्न में। तो याद रखिएगा कि एसएनआर की फुल फॉर्म क्या है, सिग्नल टू नॉइज रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जीपीएस वॉज ओन्ड बाय, अब कह रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है कि जो जीपीएस सर्विस है ये किसके द्वारा ऑन की गई है, ये किसकी सर्विस है, किस कंट्री की सर्विस है? तो आई होप बहुत ही आसान सा आंसर है, जापान, इंडिया, फ्रांस या यूएसए। तो जीपीएस आपका किसका है, यूएसए का है, अमेरिका की सर्विस है ना, जो कि एक ग्लोबल सर्विस है, यानी पूरे वर्ल्ड में कोई भी सर्विस का इस्तेमाल कर सकता है, और जीपीएस को नैव स्टार जीपीएस के नाम से जाना जाता है ना। तो ये भी याद रखिएगा कि जीपीएस इज कॉल्ड एज नैव स्टार जीपीएस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इज टेस्टिंग अ फीचर नेम्ड टिप्सार, विच इनेबल यूजर टू सेंड मनी टू फेवरेट अकाउंट? कह रहा है हाल ही में एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिसने एक नई सर्विस को स्टार्ट किया है और वो सर्विस है टिप्सार। कह रहा है ये सर्विस स्टार्ट करने वाली कौन सी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, कौन सी सोशल मीडिया एप्लीकेशन है, फेसबुक है, ट्विटर है, टिकटॉक है या व्हाट्सएप है? और करेक्ट आंसर है यहां पर ट्विटर। अब ये टिप्सार है क्या, जरा इसके बारे में भी जान लेते हैं। जैसे कि आपको मालूम होगा कि अभी हाल ही में ही व्हाट्सएप ने व्हाट्सएप पे सर्विस स्टार्ट करी है, और व्हाट्सएप पे के थ्रू क्या होता है कि हम व्हाट्सएप पर ही अमाउंट को ट्रांसफर कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं, है ना। तो ये व्हाट्सएप की सर्विस है व्हाट्सएप पे। बिल्कुल ठीक ऐसी ही सर्विस को स्टार्ट करने जा रही है ट्विटर, जिसको नाम दिया है टिप्सार। अब इसके थ्रू होगा क्या कि आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर ट्विटर पर हम लोग ट्वीट करने के साथ साथ किसी से अमाउंट रिसीव भी कर सकते हैं और किसी को अमाउंट सेंड भी कर सकते हैं। तो ये एक तरीके का पेमेंट गेटवे प्रोवाइड करने जा रही है, दैट इज टिप्सार बाय ट्विटर, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म डिसकॉन्टिन्यूड इट्स फीचर नेम्ड फ्लीट? कह रहा है ऐसा कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिसने हाल ही में एक फ्लीट नाम की सर्विस को डिसकॉन्टिन्यू करने का फैसला लिया है? अब ये फ्लीट होता क्या है, पहले आपको ये पता होना चाहिए, और अगर ये पता होगा कि फ्लीट क्या है तो आप बिल्कुल बता पाएंगे कि किस सोशल मीडिया ने इसको डिसकॉन्टिन्यू करने का फैसला लिया है। करेक्ट है यहां पर आंसर ट्विटर। देखिए जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि ट्वीट होता है, ट्वीट का मतलब ट्विटर पर जो भी आपको कमेंट करना है या जो भी कुछ पोस्ट करना है उसको हम ट्वीट कहते हैं, और उस ट्वीट पर जितने भी लोग होते हैं वो रीट्वीट कर सकते हैं। वैसे ही एक फ्लीट सर्विस भी है ट्विटर की, जिसमें क्या होता है 24 आवर्स के लिए कोई भी कमेंट आप शो कर सकते हैं और वो 24 आवर्स के बाद में ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। जैसे कि हम लोग ये चीज व्हाट्सएप स्टेटस पर भी देखते हैं या फेसबुक स्टेटस पर भी देखते हैं, तो उसी तरीके का ये फ्लीट स्टेटस है ट्विटर का, जो 24 आवर्स के बाद में ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाया करता था और फिर उस पर कोई भी रीट्वीट नहीं कर सकता था, है ना। और इसी सर्विस को इसी 3rd of August को क्या कर दिया गया है गाइस,
इसी 3rd of August को इस सर्विस को पूरे तरीके से डिसकॉन्टिन्यू कर दिया गया है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर मैसेज भी दिया हुआ है, वी आर रिमूविंग फ्लीट ऑन August 3rd, वर्किंग ऑन सम न्यू स्टफ। ट्विटर ने कहा है, रीजन इसके पीछे बहुत सिंपल है, क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा था ट्विटर को, लोग इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, इसलिए ट्विटर ने फैसला लिया कि इस सर्विस को स्टॉप कर देंगे और इसकी जगह कोई नई सर्विस को लॉन्च करेंगे। और टिप्सार की सर्विस ट्विटर लॉन्च करने ही वाला है ना, तो सारा फोकस जो है वो ट्विटर वहां पर दे रहा है। अब एक क्वेश्चन मेरा आपसे है, ट्विटर के फाउंडर का नाम बताइए, हु इज नोन एज द फाउंडर ऑफ ट्विटर, बताइए। अगर आप आंसर बता पा रहे हैं वेरी गुड, नहीं आता है तो आगे अभी सेशन में हम इसके नाम का खुलासा भी करेंगे, है ना। तो आगे बढ़ते हैं, ये समझ में आ गया आपको फ्लीट क्या है, बहुत बढ़िया। विच कंट्री सेट टू क्रिएट इट्स ओन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कॉल्ड जोगा जोग, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और काफी फेमस भी है ये क्वेश्चन, आजकल पूछा जा सकता है एग्जाम में कि ऐसी कौन सी कंट्री है जिसने हाल ही में एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाने की अनाउंसमेंट करी है और वो प्लेटफॉर्म है जोगा जोग। तो आप जानते होंगे, आपने शायद न्यूज़पेपर में पढ़ा भी हो, नहीं पढ़ा है तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, बांग्लादेश वो कंट्री है जिसने फेसबुक को टाटा बाय बाय करने का फैसला कर लिया है और कहा है कि फेसबुक के अल्टरनेट पर जोगा जोग नाम का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन को लॉन्च करेंगे। तो बांग्लादेश इज सेट टू क्रिएट इट्स ओन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का कॉल्ड जोगा जोग एज एन ऑल्टरनेटिव टू अ फेसबुक, क्लियर है। तो वो कंट्री हो गई आपकी बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑनलाइन ग्रुप दैट प्रोवाइड डायरेक्ट लाइव कम्युनिकेशन इज नोन एज, कह रहा है एक ऐसे ऑनलाइन ग्रुप का नाम बताइए जिसके थ्रू हम डायरेक्ट चैट कर सकते हैं, डायरेक्ट लाइव कम्युनिकेट कर सकते हैं किसी से भी, ऐसी सर्विस को क्या कहा जाता है, चैट ग्रुप, वेब क्रॉलर, ईमेल या हाइपरलिंक। तो हम लोग जानते हैं वेब क्रॉलर तो होगा नहीं क्योंकि ये सर्च इंजन के पॉइंट ऑफ व्यू से काम करता है, ईमेल भी नहीं होगा, हाइपरलिंक एक लिंक है ना, ये भी नहीं होगा। तो बिल्कुल सही आंसर क्या है, चैट ग्रुप, ऑनलाइन ग्रुप जिस पर हम रियल टाइम पे कम्युनिकेट कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड चैट ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द मेल सर्वर सेंड मेल टू अदर मेल सर्वर इज कॉल्ड, देखो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ईमेल से, और कह रहा है कि जब एक मेल सर्वर किसी दूसरे मेल सर्वर को मैसेज भेजता है या मेल भेजता है तो इस तरीके की सर्विस को क्या बोलते हैं, मास्टर, एसएमटीपी सर्वर, पीयर या एसएमटीपी क्लाइंट। तो इट इज कॉल्ड एसएमटीपी क्लाइंट, यानी एसएमटीपी क्लाइंट का ये काम होता है कि वो एक सर्वर से दूसरे सर्वर, यानी एक मेल सर्वर से दूसरे मेल सर्वर पर मैसेज को ट्रांसफर करे। और शायद एक क्वेश्चन तो आप जानते ही हैं कि ईमेल में मेल को सेंड करने के लिए एसएमटीपी प्रोटोकॉल का यूज होता है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और मेल को रिसीव करने के लिए POP3, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल version 3, और इसके साथ साथ IMAP का भी यूज होता है ना, तो इस बात को जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, हैव अ लुक, व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर क्रिएटिंग अ न्यू ईमेल इन आउटलुक, कह रहा है ईमेल जैसे कि आप लोग जानते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट की सर्विस है जिसका नाम है MS Outlook। MS Outlook में अगर आपको एक नए मेल को क्रिएट करना है तो इसकी शॉर्टकट की क्या हो सकती है, Ctrl+F, Ctrl+R, Ctrl+N या Ctrl+T। तो बहुत ही सिंपल है, आप जानते हैं कि अगर क्रिएट करना हो, कोई भी फाइल क्रिएट करना हो नॉर्मली, तो हम Ctrl+N का यूज करते हैं। वैसे ही MS Outlook के केस में भी अगर हमें कोई नया मेल क्रिएट करना हो तो हम Ctrl+N शॉर्टकट की का यूज करेंगे और मेल को हम क्रिएट कर पाएंगे, समझ में आ गया। तो ये फीचर है MS Outlook का। नेक्स्ट देखिए, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ ईमेल, ईमेल के फादर या फाउंडर का क्या नाम है, किसने बनाई ईमेल सर्विस, तो इसका आंसर तो आपको आना ही चाहिए, वेरी वेरी फेमस क्वेश्चन, पॉल बुचीट, चार्ल्स बेबेज, रे टॉमलिंसन,
या एलन ट्यूरिंग? बिल्कुल, एंड द करेक्ट आंसर इज मिस्टर रे टॉमलिंसन इज नोन एज द फादर और फाउंडर ऑफ ईमेल। अब देखिए साथ में यहाँ पर पॉल बुचीट, चार्ल्स बेबेज, एलन ट्यूरिंग, ये तो आंसर होगा ही नहीं, है ना। लेकिन आपको ये जरूर याद रखना है कि फाउंडर ऑफ ईमेल की अगर हम बात करें तो रे टॉमलिंसन भी सही जवाब है, पर अगर शिवा या दुरई दिया होता तो मिस्टर शिवा या दुरई ये भी आपका करेक्ट आंसर होता। अब अगर दोनों आपको ऑप्शन में मिल जाएं, शिवा या दुरई और मिस्टर रे टॉमलिंसन, तो इस केस में जो प्रायोरिटी है वो मिस्टर शिवा या दुरई जी को दी जाएगी और दूसरे पोजीशन पर नाम आएगा किसका, रे टॉमलिंसन जी का। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एसएमएस मींस कह रहा है, ये जो एसएमएस खेलते हैं हम लोग, एसएमएस भेजते रहते हैं मोबाइल फोन में, ये एसएमएस की फुल फॉर्म तो बताइए। तो क्या आपको पता है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एसएमएस? स्विफ्ट मेल सिस्टम? नहीं, शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस। बिल्कुल सही जवाब है, द करेक्ट आंसर इज शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस, यही होता है एसएमएस। एसएमएस और एमएमएस में एक डिफरेंस होता है, एसएमएस सिर्फ टेक्स्ट मैसेज को सपोर्ट करता है जबकि एमएमएस मल्टीमीडिया को सपोर्ट करता है। यानी अगर इमेज भेजनी है, वीडियो भेजनी है, जीआईएफ भेजनी है, या कोई वीडियो भेजनी या ऑडियो भेजनी है, तो इसका मतलब ये हो गया आपका क्या, मल्टीमीडिया, और इसके लिए हम एमएमएस का यूज करते हैं, जबकि नॉर्मल टेक्स्ट मैसेज के लिए एसएमएस का। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एलबीएस इन मोबाइल मार्केटिंग? कह रहा है मोबाइल मार्केटिंग के टर्म्स में एलबीएस की फुल फॉर्म क्या है? तो एलबीएस हम लोग यूज करते कहां है टर्म, इसका यूज होता है जियो फेंसिंग के रिस्पेक्ट में। यानी जो हम जियो फेंसिंग के तहत एक वर्चुअल बाउंड्री क्रिएट कर रहे होते हैं, तो उस बाउंड्री को, उस लोकेशन को लोकेशन बेस्ड सर्विस के नाम से जाना जाता है। तो करेक्ट आंसर यहां पर क्या होगा, लोकेशन बेस्ड सर्विस, दैट इज कॉल्ड एलबीएस। और लोकेशन बेस्ड क्यों, क्योंकि जियो फेंसिंग बेसिकली एक तरीके से लोकेशन को ही टारगेट करती है, एक स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरिया को ही टारगेट करती है। और जैसे कि मैंने पहले बताया कि उस एरिया में अगर कोई भी पर्सन आता है तो उसके मोबाइल पर मैसेज चला जाता है ऑटोमेटिकली, तो इसी सर्विस को जियो फेंसिंग, और ये एक लोकेशन बेस्ड सर्विस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी मैक्सिमम कैरेक्टर्स आर अलाउड इन एसएमएस मार्केटिंग? कह रहा है एसएमएस के केस में मैक्सिमम कितने कैरेक्टर लिखे जा सकते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताइएगा 150, 160, 170 या 180 कैरेक्टर्स? तो एसएमएस जो है वो 160 कैरेक्टर से ज्यादा सपोर्ट नहीं करता, तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा एज पर दी ऑप्शन, 160 कैरेक्टर्स। और आप देख भी सकते हैं यहां पर हमने एक इमेज आपको दिखाई है जहां पर 161 कैरेक्टर होने पर एक एरर शो हो गई है, ये रेड कलर का हो गया है, इसका मतलब कि टोटल लिमिट कितनी होती है टाइप करने की, 160 कैरेक्टर्स। नेक्स्ट देखिए, हु इज नोन एज द फादर ऑफ एसएमएस? एसएमएस के फाउंडर या फादर कौन है, इनका नाम बताइए। और करेक्ट आंसर है मिस्टर मार्टी मैकोनन। मिस्टर मार्टी मैकोनन इज नोन एज द फादर या फाउंडर ऑफ एसएमएस, और इनकी इमेज भी आप देख सकते हैं, है ना, ही इज नोन एज द फादर ऑफ एसएमएस। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाउंडर एंड ओनर ऑफ मैसेजिंग ऐप टेलीग्राम। आप जानते हैं कि टेलीग्राम बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है ना, व्हाट्सएप के काफी टाइम बाद इसका यूज शुरू हुआ, लेकिन इसने अपने आप को काफी ग्रो कर लिया। और इसके पीछे का रीजन आप समझिएगा कि यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी फाइल्स को भी आसानी से ट्रांसफर किया जा सकता है, और एज वेल एज इंक्रिप्शन या विदाउट इंक्रिप्शन दोनों ही तरीके से मैसेज को सेंड किया जा सकता है। एज वेल एज यहाँ पर एक फीचर और भी इम्पोर्टेंट है कि आप बिना कॉम्प्रेस किए या कॉम्प्रेस किए दोनों मेथड से आप मैसेज को भेज सकते हैं। तो ऐसे कई सारे फीचर्स हैं जिनकी वजह से टेलीग्राम जो है वो बहुत ही पॉपुलर प्लेटफॉर्म बन गया। आपको बताना है कि टेलीग्राम के फाउंडर या ओनर का क्या नाम है, पावल डुरोव, जैन कोयुम, ब्रायन एक्टन या जैक डोर्सी? बिल्कुल सही, एंड द करेक्ट आंसर इज पावल ड्यूरोव। ही इज नोन एज द
फाउंडर और ओनर ऑफ टेलीग्राम, तो ये हैं मिस्टर पावल ड्यूरोफ। जैन कोयुम और ब्रायन एक्टॉन, ये आप लोग जानते होंगे कि जैन कोयुम ये हैं बेसिकली फाउंडर ऑफ व्हाट्सएप ब्रायन एक्टॉन के साथ में। तो जैन कोयुम और ब्रायन एक्टॉन ये दोनों ही आपके फाउंडर हैं किसके, व्हाट्सएप के। जबकि जैक डोर्सी, एक क्वेश्चन मैंने आपसे अभी बीच में सेशन में ही पूछा था कि हु इज नोन एज द फाउंडर ऑफ ट्विटर, ट्विटर के फाउंडर का नाम बताइए, और यहां पर होता है उस क्वेश्चन का खुलासा, द करेक्ट आंसर इज मिस्टर जैक डोर्सी इज नोन एज द फाउंडर ऑफ ट्विटर। तो ट्विटर काफी सुर्खियों में है और यहां से कई सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं। तो आई होप कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा। इन 20 क्वेश्चंस जो अभी मैंने आपको समझाए या आपको समझ में आए होंगे, अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है या आप कुछ भी डिस्कस करना चाहते हैं तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आप देखिएगा या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं, वहां पर आपको बाय लिंक मिल जाएगा और बहुत ही शानदार तरीके से आप हमारे साथ चैप्टर वाइज वहां पर अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ सकते हैं। तो आई होप कि यहाँ पर आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाकी अगर सेशन मैक्सिमम कैंडिडेट्स तक, अपने फ्रेंड तक अगर आप शेयर कर सकते हैं तो जरूर शेयर करिएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू वेरी मच। बहुत जल्द मिलेंगे एक नए सेशन के लिए। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।